like previous video, this video is also on the vision of chapter limit. In previous video we have learnt infinity by infinity form, just we have discussed some problems. Today I start with some problem. कुछ प्रॉब्लम थोड़ा जल्दी में देखते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का, कुछ देखे थे पिछले क्लास में, है ना। तो जैसे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2x प्लस साइन एक्स बाई 3x माइनस 4 कॉस एक्स, मान लीजिए ये क्वेश्चन है। जब x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो समझ सकते हैं 2x इन्फिनिटी को टेंस करेगा, 3x इन्फिनिटी को टेंस करेगा, और साइन एक्स में एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा। बट एक्स किसी को भी टेंस करे, साइन एक्स का तो हमें पता है वैल्यू माइनस वन से वन के बीच सम फाइनाइट नंबर आएगा। सिमिलरली कॉस एक्स भी माइनस वन से वन के बीच सम फाइनाइट नंबर आएगा, देयरफॉर माइनस फोर कॉस एक्स माइनस फोर से फोर के बीच सम नंबर आएगा। तो इस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट होगा। तो डोमिनेट एक्स कर रहा है ऊपर नीचे मिला के, ये डिसाइड करना। यही अगर यहां साइन एक्स के ऊपर टेन एक्स होता तो ये बात वेरी कंफर्टेबली नहीं कर सकते, बिकॉज टेन एक्स कुछ भी वैल्यू ले सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सही है ना। बट यहां तो कर सकते हैं ना। तो डोमिनेट एक्स कर रहा है जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, जस्ट उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो एक्स से डिवाइड करेंगे, टू प्लस साइन एक्स बाई एक्स थ्री माइनस फोर कॉस एक्स बाई एक्स, समझ सकते हैं दिस इक्वल्स टू प्लस जीरो थ्री माइनस फोर इंटू जीरो, मतलब टू बाई थ्री। ये दोनों में लॉजिक हम क्या दिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का मान क्या होगा इसे हमको मतलब नहीं है, जो भी होगा ये इसी के बीच में होगा ना, और इसके बीच के किसी नंबर में हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो को टेंस करेगा, दैट्स ऑल, ठीक है। फिर मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है और टू इंटू, इसको डेसिमल में समझिएगा, मल्टीप्लीकेशन है, टू इंटू ऐसे लिख देते हैं फाइव की पावर एक्स माइनस थ्री इंटू टू की पावर एक्स बाई सिक्स इंटू फाइव की पावर एक्स प्लस 5 इंटू टू की पावर एक्स, समझ सकते हैं इस बार। फिर एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 5 की पावर एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा, 2 की पावर एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा, बट 5 की पावर एक्स जो होगा ये डोमिनेट करेगा 2 की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। नीचे भी 5 की पावर एक्स है, बेस जिसका जितना बड़ा होगा तो जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे, तो अभी पिछले क्लास में देखे थे हम लोग पिछले वीडियो में, ये 5 की पावर एक्स ज्यादा स्पीड होगा बढ़ने का, है ना, 2 की पावर एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डोमिनेट 5 की पावर एक्स कर रहा है, तो इसमें हम डिवीजन क्या करेंगे, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवीजन करेंगे 5 की पावर x से। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 5 की पावर x से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा माइनस 3 इंटू यहां 2 बाई 5 की पावर x का सकते समझ है ना, 5 की पावर x नीचे है तो 2 बाई 5 दोनों पावर से इकट्ठे x कर लिए, ये समझ के x कर लिए, पिछले वीडियो में समझे थे ये क्या है, न्यूमेरिकली एक से छोटा नंबर है, इस पर पावर x करेंगे, इन्फिनिटी टेंस कर रहा है ये क्या हो जाएगा, 0 को टेंस करेगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये तो 5 की पावर एक्स कैंसिल ही हो जाएगा 5, और फिर ये हो जाएगा 2 बाय 5 टू द पावर एक्स, और अब ऊपर 2 माइनस 3 इंटू 0 लिख सकते हैं, क्यों, ये 0 से 1 के बीच का नंबर है, इसका पावर टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे 0 आएगा, 6 प्लस 5 इंटू 0 ये कितना हो गया 2 बाय 6 मतलब 1 बाय 3, सही है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, चलिए इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, समझ सकते हैं इस पर एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ये एक्स स्क्वायर है 4x है, ये दोनों में एक्स स्क्वायर डोमिनेट करने वाला है,
इसमें भी एक्स स्क्वायर डोमिनेट करेगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी होगा, उसका स्क्वायर रूट इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्विवेलेंट टू इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट इन्फिनिटी आएगा। ओवरऑल ये फॉर्म क्या हो गया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जैसा कि आपको बताया था ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट हमें वेल नोन जो थ्री फॉर्म ही में पढ़ना है, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और वन की पावर इन्फिनिटी। तो इसमें पहले क्या करेंगे, इसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए समझ सकते हैं इतना माइनस इतना है ना, तो इतना प्लस इतना से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये आया समझ में, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे अलग अलग तो रूट खत्म हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, नीचे जो अपने मन से मल्टीप्लाई किए थे नीचे भी करना पड़ेगा ना, एक स्टेप का बचत, ये एक्चुअली नीचे ये लिखते और ऊपर दिस और मल्टीप्लाइड बाई दिस लिखते, इसको डायरेक्ट हमें माइनस ए प्लस बी के फॉर्मूला से ब्रेक कर दिए, और दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, फोर एक्स प्लस फोर एक्स कितना हो जाएगा एट एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, सही है ना। अब आप समझ सकते हैं कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो अब ये हो गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का। हम क्या देखेंगे इसमें, डोमिनेशन लेवल देखेंगे, ऊपर डोमिनेट एक्स कर रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है लेकिन ओवरऑल स्क्वायर रूट है, ये एक्स तो कोई दिक्कत है नहीं, मतलब मैं तो ये डोमिनेट कर रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि पहले टू एक्स ही रहा ना, ये भी एक्स ये भी एक्स, तो दो एक्स को मिलाएंगे तो टू एक्स हुआ, बट डोमिनेशन तो एक्स का ही कहलाएगा ना, टू तो कॉन्स्टेंट है, तो ऊपर नीचे सेम लेवल का डोमिनेशन है, डिवाइड किससे करेंगे एक्स से करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर एट हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाई एक्स और फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स बाई एक्स। अगले स्टेप में लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऊपर एट ही रहा, नीचे अंडर रूट इसे क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बनकर चला जाएगा ना, आपको बताया था कि रूट के अंदर कोई क्वांटिटी को अंदर करेंगे तो स्क्वायर बनकर तो होगा ही, साथ ही उसका साइन पर भी अलर्ट रहेंगे, एक्स अगर पॉजिटिव है तो सीधा स्क्वायर बनकर जाएगा, एक्स निगेटिव है तो बाहर में क्या लगता है माइनस लगता है, अगर यहां एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता ना तो यहां इसके नीचे ले जाते एक्स स्क्वायर को, बट बाहर माइनस करना पड़ता है ना, ये लगभग कई एक बार पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं इस तरह की बात, कंसेप्चुअल बात, तो इसे हम डायरेक्ट इसके अंदर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, चूंकि एक्स पॉजिटिव है टेंस टू प्लस इन्फिनिटी कर रहा है तो साइन इसका पॉजिटिव ही समझेगा ना, इस रूट के अंदर भी शो कर लिए एक्स स्क्वायर, और इस तरह से दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऊपर एट नीचे अलग अलग कर लेंगे तो 1 प्लस फोर बाई एक्स होगा ना, इस स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस फोर बाई एक्स और इस स्क्वायर रूट के अंदर भी 1 माइनस फोर बाई एक्स, और अब हम लिमिट ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर 8 नीचे रूट के अंदर 1 प्लस जीरो फिर रूट के अंदर 1 माइनस जीरो, ये कितना होगा 8 बाई 1 प्लस 1 मतलब 8 बाई 2 मतलब 4, सही है। तो इस तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का अगर सिचुएशन आता है तो हम इसको इस तरह से टैकल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद ये खत्म होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जस्ट रिवीजन किया हूं मैं, कुछ वैरायटी का क्वेश्चन देखा हूं, है ना, क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है अभी और भी हो सकता है, फिर देखेंगे कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा लिमिट का प्रॉपर्टी है इसको जस्ट समझ लेंगे हम, है ना, प्रॉपर्टी तो पहले से हम यूज करते ही रहे हैं। नैया प्रॉपर्टी क्या लिखे, दो फंक्शन का लिमिट अगर अलग अलग एग्जिस्ट करता है दोनों का सम रहेगा ना तो अलग अलग लिमिट निकाल के सम कर लेंगे, है ना, ये सब तो पढ़े ही है ना, चलिए लिख लेते हैं। लेट एज एक्स टेंस टू ए देन देन
एफ एक्स टेंस टू मान लीजिए हम एम कह लेते हैं एंड जी एक्स टेंस टू एन, है ना, देन नंबर वन लिमिट एक्स टेंस टू ए कोई कांस्टेंट के कह लेते हैं, समझ सकते हैं कि अगर कांस्टेंट है तो एक्स किसी को टेंस करेगा, इस लिमिटिंग वैल्यू के ही आएगा, जहां के क्या है सम रियल है, सम रियल कहने का तात्पर्य कि ये सम स्केलर है, सम कांस्टेंट है, दैट इज सम नंबर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स पर इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। टू लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर के इंटू एफ एक्स है तो इसमें हम k को बाहर कर ले सकते हैं और लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स हो जाएगा, जिसका वैल्यू की k m हो जाएगा, एफ एक्स का लिमिट m का है ना, k m हो जाएगा। यहां भी k क्या है, सम स्केलर है, सम रियल है। सिंपल बात है कि x जब a को टेंस करेगा तो k तो कांस्टेंट बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा और जो एफ एक्स का लिमिटिंग वैल्यू होगा उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर लिमिट x टेंस टू a अगर एफ एक्स में जी एक्स को हम सम अप कर रहे हैं तो ये कहता है कि लिमिट को आप अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए पर जी एक्स, जो कि एम प्लस एन हो जाएगा, समझ सकते हैं। यहां अगर माइनस रहेगा तो भी ये माइनस भी हो जाएगा, मतलब दो फंक्शन को जोड़कर हम लिमिट निकालें या अलग अलग लिमिट निकालकर जोड़ें या घटा के लिमिट निकालें या अलग अलग लिमिट निकालकर सब्ट्रैक्ट करें, जिस ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन है, सही है। सिंपल बात है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर ही रहा है, ये एग्जिस्ट कर ही रहा है, जब एक्स ए के करीब होगा तो ये एम के करीब होगा और ये एन के करीब होगा, तो ये दोनों का जोड़ क्या होगा, एम प्लस एन के करीब होगा, माइनस क्या होगा, एम माइनस एन के करीब होगा, तो अलग अलग लिमिट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे कि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब 4 लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स का लिमिट निकालना है, मतलब क्या दोनों का मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट निकालें, या दोनों का लिमिट अलग अलग कर लें, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स जो कि क्या हो जाएगा एम इंटू एन, 5 लिमिट एक्स टेंस टू ए डिवीजन देख लेते हैं, एफ एक्स बाय जी एक्स इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू ए, न्यूमेरेटर का अलग लिमिट निकाल लें, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, यानी ये एम बाई एन हो गया। ध्यान रहे हमने एम एन को कहा है सम फाइनाइट रियल एग्जिस्ट कर रहा है, बट एन अगर जीरो होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, एम बाई जीरो ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो ये फॉर्मूला की सीमा है प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर का लिमिट जीरो नहीं हो। 6 लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स अगर है तो इसमें भी बेस का लिमिट हम अलग से निकाल लेंगे, एफ एक्स का लिमिट, और इस पर फिर लिमिट निकाल लेंगे जो पावर फंक्शन है जी एक्स पावर के रूप में, यानी इसका लिमिट एम की पावर एन। यहां भी समझना है ये कब होगा, प्रोवाइडेड बोथ ऑफ एम एंड एन आर नॉट जीरो एट द सेम टाइम, इसे साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, एम एंड एन शुड नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, सही है। मतलब बेस है पावर है, बेस भी सम एक्स का फंक्शन है, पावर भी सम एक्स का फंक्शन है, तो हम बेस का लिमिट निकाल लें पावर का लिमिट निकाल लें, बट ये कब अप्लीकेबल होगा, तो दोनों एक साथ जीरो लिमिट नहीं दे, समझ सकते, दोनों जीरो देगा जीरो की पावर जीरो डिफाइन नहीं होगा। अब अगर कोई एक जीरो होता है तो बचपन से हम जानते हैं जीरो की पावर सम नॉन जीरो रहेगा जीरो आएगा,
और सम नॉन जीरो, बेस पर पावर जीरो रहेगा तो वन आएगा, तो कोई एक जीरो होता दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई जीरो नहीं होता तो भी दिक्कत नहीं है, एक नॉन जीरो पर पावर एक नॉन जीरो वेल डिफाइंड रियल होगा, बट दोनों जीरो होगा तब प्रॉब्लम होगा, तब ये लागू नहीं होगा। सेवन, इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन कर सकते हैं, जो कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू ए है और एफ ऑफ जी एक्स है, ये बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए, सॉरी एफ जैसे है वैसे रहेगा और एफ ऑफ क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, और ये बराबर क्या हो जाएगा एफ एन, जी एक्स का लिमिटिंग वैल्यू एन है ना। लेकिन यहां पर एक बहुत बारीकी से बात मतलब यहां पर हमें दिमाग में रखना है, ये कब होगा तो प्रोवाइडेड हम लिख देते हैं शॉर्ट में, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स एन, एफ एक्स एक्स इक्वल्स एन पर कंटिन्यूअस हो। अब कंटिन्यूटी तो अभी पढ़ने ही वाले हम लोग हैं, उसके अंदर लिमिट कर रहे हैं, तो अभी आप ये समझिए कि जनरली ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बट उसमें एक लैकुना है, ऐसा होगा तब होगा, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो ये चीज डिस्कस कर देंगे, है ना, दिमाग में प्रयास करेंगे इसको रखने का और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे इसको डिस्कस कर देंगे, समझ सकते हैं। इसको लिखने में थोड़ा टाइम खर्च हुआ, ये सिंपल है ना, ये सारा प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यूज करेंगे प्रॉब्लम में बट कंडीशन के साथ। अब जैसे अभी हम कह रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, समझ सकते हैं एफ एक्स एक फंक्शन है, जी एक्स एक फंक्शन है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो क्या इसका लिमिट अलग से निकालेंगे, इसका लिमिट अलग से निकाल लेंगे जब एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो ये समझना तो यहां पर गड़बड़ होगा, इसको एफ एक्स इसको जी एक्स ट्रीट कर लें, इसका लिमिट इन्फिनिटी आएगा, इसका लिमिट इन्फिनिटी आएगा, ये आंसर होगा, ये सही हुआ क्या, नहीं सही हुआ। ये अलग अलग लिमिट कब निकालते हैं, जब सेपरेटली ये एक फाइनाइट नंबर आता है, ये भी क्या आता है एक फाइनाइट नंबर आता है, यही जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ऊपर एक फाइनाइट आता है वन, नीचे आता है फाइनाइट टू, इसलिए अलग अलग लिमिट निकाल के डिवाइड करते हैं, वन बाई टू लिखते हैं। तो थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी सब है ना, बस सिंपल कंडीशनली दिमाग में रखेंगे, ज्यादा हार्ड है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा जीरो बाई जीरो फॉर, जीरो बाई जीरो फॉर में थोड़ा सा पॉलीनोमियल फंक्शन आपको बता ही दिए हैं शुरू के क्लास में ही, कुछ एग्जांपल जो ले रहे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन बाई एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स टेंस टू थ्री, है ना। तो अभी जीरो बाई जीरो फॉर में अगर पॉलीनोमियल फंक्शन है तो उसमें हम सिंपली क्या समझेंगे कि अगर जीरो बाई जीरो में पॉलीनोमियल फंक्शन है तो हम कॉमन फैक्टर जो आ रहा है रिस्पॉन्सिबल है उसको खत्म करेंगे, समझ सकते हैं। जीरो बाय जीरो का कोई भी फॉर्म है तो उसको जीरो बाय जीरो से फ्री करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अगर पॉलीनोमियल है x टेंस टू a पर जीरो जीरो आ रहा है ऊपर नीचे तो x माइनस a फैक्टर निकलेगा सर्टेनली, उसमें निकालेंगे दोनों को कैंसिल करेंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला है जिसको कि दिमाग में हमें रखना है, लिमिट x टेंस टू जीरो cos x इक्वल्स वन, और पूरे कैलकुलस में कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन आएगा साइन कॉस टेन तो आप समझेंगे उसके साथ जो एंगल हम लोग लिख रहे हैं वो रेडियन है, अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो, और अगर दिया हुआ है डिग्री में तो हम उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिमिट की बात करेंगे उसमें, तो उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। ये सारा रिजल्ट रेडियन के लिए सही होता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स वन हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स ये भी वन हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स ये भी वन हो जाएगा। अब समझने की बात है कि ये जो सारा फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, अगर अभी हम पे एक्स बाई साइन एक्स एक्स टेंस टू जीरो पर क्या होगा, ये भी वन आएगा, क्यों एक्स बाई साइन एक्स को वन बाई साइन एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं, ऊपर वन का लिमिट वन और नीचे साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट वन, वन बाई वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर लिमिट एक्स टेंस टू ए
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए, ये एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन। हम सारे का वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं ना, ऐसे ही बहुत लंबा हो रहा है, हम एक क्लास में इसको समेटना चाह रहे थे लेकिन दो क्लास करना पड़ा है ना, ये सब पढ़े ही हैं। दिस इक्वल्स एन ए की पावर एन माइनस वन, अगेन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, e की पावर x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स वन, लिमिट x टेंस टू जीरो। अब देखिए इसको बिना बताए भी इसी से समझना चाहिए, फिर भी हम लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स माइनस वन, लिमिट x टेंस टू जीरो। यहां पर हम लिखे नहीं कि सब रेडियन में होना चाहिए, है ना, ये वर्बली बोल दिया। अगर कोई यूनिट नहीं दिया हुआ तो एंगल को हम अक्सर रेडियन ही समझेंगे कि x रेडियन में है। लिमिट x टेंस टू जीरो ln 1 प्लस x बाई x इक्वल्स 1, लिमिट x टेंस टू जीरो ln 1 माइनस x बाई एक्स इक्वल्स माइनस वन। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, एक्स को माइनस एक्स इसमें रिप्लेस किए है ना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन बाई एक्स बराबर एन एक्स, है ना। ये कुछ फॉर्मूला है जिसको कि हमें सिर्फ याद नहीं करना है, इसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म होगा उसे दिमाग में बिठाना है। जनरलाइज्ड फॉर्मूला का मतलब आप समझेंगे कि इसका जो भी फॉर्मूला है, जैसे कोई एक को पकड़िए, अब ये है तो सिंपल है, बचपन से पढ़े कॉस जीरो वन होता है। अब एक्स जीरो को टेंस करेगा इसका क्या मतलब हुआ, एक्स जीरो को टेंस करेगा मीन्स जीरो एंगल ये है, इधर से पॉजिटिव रोटेशन होता है, ये नेगेटिव रोटेशन हो रहा है, जीरो प्लस मतलब पॉजिटिव साइड इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, समझ सकते हैं। कॉस इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, और जब एक्स जीरो को टेंस करेगा तो इस केस में बेस कौन साइड करेगा, हाइपोटेनस के साथ, कॉस बी बाई एच होता है, तो ये इधर से भी वन इधर से भी वन, क्यों, चूंकि दोनों क्वाड्रेंट में प्लस आता है। देखिए इसको ढंग से समझने का कंसेप्ट ये सही होगा, मतलब कि मान लीजिए कॉस अगर फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में निगेटिव होता है, किसी कारण से कन्वेंशन इस तरह से डेवलप होता है कि कॉस में सारा चीज जैसे वैसे है, बट ये ऐसा होता कि फर्स्ट में पॉजिटिव होता है फोर्थ में निगेटिव होता है, तो हम कहते एक्स टेंस टू जीरो पर कॉस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये साइड से प्लस वन आता है, ये साइड से माइनस वन आता है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, कॉस दोनों में क्या है, पॉजिटिव है। साइन की बात कीजिए, अगर हम साइन एक्स बाई एक्स नहीं करें, सिंपली यहां एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स लिखे, तो समझ सकते हैं x टेंस टू जीरो पर साइन x क्या होगा, तो फिर जीरो प्लस को टेंस करेगा तो इधर से टेंस करेगा तो साइन का वैल्यू यहां पर क्या होगा, यहां पर p का वैल्यू जीरो के करीब होगा, जैसे जैसे ये जीरो में इसे करीब आएगा तो परपेंडिकुलर जीरो होगा x एक्सिस के अबाउट, इधर से भी जाएगा तो p जीरो होगा, तो ये p बाई एच किसके करीब होगा, जीरो करीब होगा। अब ये बात अगर हम कहें कि राइट हैंड लिमिट इसका अगर लेंगे जीरो से बड़ा रहते हुए तो जीरो प्लस को टेंस करेगा, इधर से लेंगे तो ये क्या होगा, जीरो माइनस को टेंस करेगा। तो सवाल है कि जीरो यहां पर है, हल्का सा इधर जाए, हल्का सा इधर जाए, ये दोनों तो जीरो के ही करीब है ना, यही अगर साइन का वैल्यू जीरो के पास वन होता तो कहते कि ये जीरो पर साइन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इधर से प्लस वन आएगा इधर से माइनस वन आएगा। लेकिन जहां पर दोनों पॉइंट में डिफरेंट वैल्यू मतलब साइन डिफरेंट है, वहां पर साइन का वैल्यू जीरो आ रहा है। कॉस की बात कीजिए, एक्स टेंस टू पाई बाई टू पर कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, समझते हैं ना, क्यों कॉस टेंस टू पाई बाई टू पर अगर हम राइट साइड से करेंगे, ये तो लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया पाई बाई टू से अधिक रहते हुए, तो इधर से कॉस जो एक्स है वो पाई बाई टू को टेंस करेगा एक्स, तो जीरो माइनस को टेंस करेगा, इधर से जीरो प्लस को टेंस करेगा, दोनों जीरो ही हुआ ना। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब जो बेसिक है मोस्ट बेसिक बात उसको दिमाग में रखना है, तो ये तो क्लियर है। अब इस फॉर्मूला को इस तरह से दिमाग में रखें कि साइन के साथ जो भी क्वांटिटी है वो जीरो को टेंस करे, सेम वही क्वांटिटी नीचे हो तो लिमिटिंग वैल्यू बना जाएगा। सोचिए ना कि यहां x टेंस टू जीरो है, ये क्वेश्चन कुछ दूसरे तरीके से भी होता है, तो अभी हम जरा सा एक में कुछ काम करके बताते हैं, उसके बाद हर एक फॉर्मूला को जनरलाइज वे में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, है ना। जैसे देखिए हम इस एक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, अभी अगर हम कहें लिमिट x टेंस टू टू है और साइन ऑफ
एक्स माइनस टू है और यहां पे एक्स माइनस टू है। तो अगर हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो समझ सकते हैं, साफ लगता है कि ऐसा क्या तो अलग है, यहां एक्स टेंस टू जीरो, यहां एक्स टेंस टू टू है। सवाल है एक्स किसको टेंस कर रहा है, इट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा कि साइन के साथ जो एंगल है वह किसको टेंस कर रहा है। जब एक्स टू को टेंस करेगा तो ये एंगल जीरो को टेंस कर रहा है ना, और यहां पर क्या है साइन के साथ एक्स जीरो को ही टेंस कर रहा है ना। सोचिए एक्स माइनस टू को अगर हम टी कह लें, एक्स माइनस टू इक्वल्स टी, तो एज एक्स टेंस टू टू इसके जगह पर क्या हो जाएगा, टी टेंस टू जीरो, यहां होगा साइन टी और नीचे क्या होगा टी, तो साइन टी बाई टी वेयर टी टेंस टू जीरो क्या होगा वन। तो हम करेंगे चीज मतलब इस तरह से समझेंगे डायरेक्ट इसको हम वन कर सकें। यही अगर लिमिट एक्स टेंस टू टू होता है, साइन ऑफ एक्स माइनस टू होता है, नीचे टू माइनस एक्स होता है, तो फिर ये फॉर्म जीरो बाय जीरो का है, साइन के साथ जो है वो जीरो को टेंस कर रहा है और सेम वही नीचे नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, तो इसमें साइन का फर्क है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे और एक माइनस यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। अब तो ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एक्स माइनस टू हो जाएगा ना, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा वन, प्रॉपर्टी पर इसका लिमिट वन, इसका लिमिट क्या कॉन्स्टेंट है तो माइनस वन आएगा। तो इस तरह से वन इंटू क्या हो जाएगा माइनस वन, मतलब माइनस वन। ये सब जो हल्का फुल्का मैनिपुलेशन करके है, इस तरह की बातों का लिमिट हम निकाल सके, है ना। यही क्वेश्चन अगर होता है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यहां लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू और नीचे लेते हैं एक्स माइनस टू, आप समझ सकते हैं एक्स जब टू को टेंस करेगा तो ये जीरो को टेंस करेगा और साइन के साथ जो एंगल वो भी जीरो को टेंस करेगा, बट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एग्जैक्टली यहां पर नहीं है, लैग कर रहा है, समझ सकते हैं हम लैग कर रहा है। या तो यहां इसको एक्स माइनस टू बनाए, बट यहां एक्स माइनस टू बनाएंगे दूसरा फैक्टर एक्स प्लस टू को कहां ले जाएंगे, यहां तो पूरा साइन के साथ जो है वो एग्जैक्टली यहां चाहिए, है ना, एक्स तो यहां एक्स। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो लैग कर रहा है साइन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर करते हैं, इट मींस क्या डिनोमिनेटर में हमने एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी क्या कर देंगे एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब यहां से यहां तक ये मल्टीप्लाई क्यों किया, अब ये हमारा फॉर्म में आ गया, ये लिमिट सीधा वन लिख सकते हैं, ये वन हो गया और एक्स टेंस टू टू पर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा फोर, मतलब लिमिट इसका क्या हो जाएगा फोर। ये मैं कह रहा हूं हर एक फॉर्मूला को थोड़ा इस तरह से दिमाग में जगाते हैं, है ना। अगर साइन फाइव एक्स है बाई साइन फोर एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, समझ सकते हैं एक्स जीरो को टेंस करेगा तो साइन के साथ फाइव एक्स जीरो को टेंस कर रहा है, फोर एक्स भी जीरो को टेंस कर रहा है, बट ये फाइव एक्स के साथ हमें क्या चाहिए था, 5x चाहिए था जो कि है नहीं, अपने मन से दे दिए। यहां साइन 4x के साथ नीचे 4x चाहिए था जो कि है नहीं, इसको भी दे दिए अपने मन से, समझ सकते हैं। यहां 4x बाई 5x लिखना पड़ेगा ना, उल्टा लिख दिए शायद, हाँ 5x बाई 4x, 5x बाई 4x सही है ना। और इस तरह से ये 1 ये 1 x x कैंसिल हो गया, क्यों पूरा जीरो तो है ना, जीरो को टेंस कर रहा है, तो 1 बाई 1 इंटू 5 बाई 4 क्या हो गया 5 बाई 4। तो इस तरह से हर एक फॉर्मूला को है ना हम कुछ और देखते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा डेवलप करेंगे। देखिए अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, एक साल आईआईटी का पूछा हुआ है, एग्जैक्ट यही नहीं हो कुछ इस तरह का और उसमें हो डिफॉल्ट किया हुआ, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही था। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, देन लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा, लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बाई एक्स माइनस अल्फा क्या होगा, है ना? आप समझ सकते हैं कि अल्फा इस इक्वेशन का रूट्स है, तो एक्स का वैल्यू अल्फा इसमें पुट करेंगे तो जाहिर है जीरो आ जाएगा, और नीचे एक्स का वैल्यू अल्फा पुट करेंगे तो जीरो है ही, देख ही रहे हैं, तो ये फॉर्म जीरो बाई जीरो का हुआ ना। यहां पर साइन लगाना भूल गए, साइन भी लगाने वाले थे, साइन ऑफ दिस, है ना? तो साइन जीरो जीरो हो गया और नीचे जीरो हो गया, है ना? बट ये साइन के साथ जो क्वांटिटी है एग्जैक्टली यही क्वांटिटी यहां पर नहीं है, एग्जैक्टली यही क्वांटिटी यहां पर नहीं है ना, है ना? तो सवाल है कि ये फिर कैसे होगा? आप समझ सकते हैं दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा किए और इसे साइन ऑफ, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो का रूट अल्फा बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े हैं इसे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, कैसे लिख सकते हैं इस पर ज्यादा भी समय खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, इसे ऐसे लिखा जा सकता है अल्फा बीटा किसका रूट है, तो सिंपल है कि इसका रूट अल्फा बीटा, इसका भी रूट अल्फा बीटा होगा, तो ये आइडेंटिकल इक्वेशन हुआ, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें ए है, इसमें भी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए हो गया, तो ये कोफिशिएंट अगर इक्वल है तो बाकी सब तो बराबर होगा ही, दो आइडेंटिटी की जो बात करते हैं हम लोग, तो ये हो गया और नीचे एक्स माइनस अल्फा। आप समझ सकते हैं इसमें अपने मन से ए से और एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करने ध्यान देंगे, ये दोनों से अपने मन से मल्टीप्लाई किए हैं यहां पर हम लोग, तो बैलेंस करने के लिए यहां ए एक्स माइनस बीटा यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब x टेंस टू अल्फा पर जो देख रहे हैं ये हमने यहां से यहां तक किया है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो ये 1 हो गया और ये तो ए ही रहा, और यहां x का वैल्यू अल्फा डालेंगे तो ये क्या हो गया, अल्फा माइनस बीटा, मतलब ये हो गया a अल्फा माइनस क्या बीटा, सही है? तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म का एक जैसे फॉर्मूला समझा रहे हैं, किसी की भी बात कीजिए, है ना, तो वो वैसे ही होगा। अब देखिए यही फॉर्मूला है, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, e की पावर जीरो को टेंस करें माइनस वन रहे और नीचे जो e की पावर है एक्जेक्टली वही हो, तो ये वन हो जाता है। अगर यहां e की पावर साइन एक्स रखते x टेंस टू जीरो और नीचे भी साइन एक्स होता, देखना e की पावर साइन एक्स यहां साइन एक्स, तो ये भी वन होता है। e की पावर टेन एक्स होता है यहां टेन एक्स होता है, वन होता है। e की पावर एक्स स्क्वायर होता है और नीचे एक्स स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, वन होता है। यहां पर x टेंस टू पाई बाई टू होता है, ध्यान से समझेंगे, x टेंस टू पाई बाई टू होता है और यहां e की पावर cos x होता है, तो समझिए cos पाई बाई टू जीरो होता है और नीचे भी cos x होता है, तो ये भी वन होता है। इस तरह से हर एक फॉर्मूला को हमने क्या कहा था लिखते समय कि इसी के हेल्प से इसको समझेंगे, दोनों को अलग से याद नहीं रखेंगे। अगर ये वन होता है तो इसके रिस्पेक्ट में इसको हम कंपेयर करें इससे, तो e की पावर x जब जीरो को टेंस करेगा तो माइनस एक्स भी जीरो को टेंस करेगा, तो e की पावर जीरो को टेंस कर रहा है, और यही माइनस एक्स अगर यहां होता तो जस्ट इसके रूट से वन हो जाता है, बट यहां माइनस एक्स नहीं है, तो अपने मन से यहां माइनस एक्स माइनस कर देंगे और यहां माइनस से बैलेंस करके गुणा करेंगे, ये माइनस रहेगा तो ये वन हो जाएगा और ये जो माइनस यहां होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही है ना? अगर एल एन वन प्लस एक्स वन होता है एक्स डिवाइडेड बाई ये रहेगा, तो यहां जब माइनस एक्स होगा तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग जो समथिंग जीरो को टेंस कर रहा है और सेम समथिंग नीचे है तो ये वन होता है, तो यहां एलन में वन प्लस समथिंग में क्या बचा, माइनस एक्स, वन प्लस के बाद समथिंग माइनस एक्स हुआ ना, और सेम माइनस एक्स अगर यहां नीचे होता तो माइनस वन होता, माइनस एक्स नहीं है तो सॉरी वन होता, माइनस एक्स नहीं है तो माइनस यहां किए और फिर माइनस यहां किए, ये वन हो जाएगा और ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला पर काम करेंगे, अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं ना, ये जैसे वैसे ये जैसे वैसे ये है, थोड़ा सा इस पर ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर सक्सेसफुली कर लेंगे ना तो बहुत आराम होगा कुछ क्वेश्चन में, है ना? और ये सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एक्सपेंशन होता है लॉग वन प्लस एक्स का, लॉग वन माइनस एक्स का, या देखिए लास्ट क्वेश्चन में बचेगा तो लिख भी देंगे, ऐसे क्या लिखना है वो एक्सपेंशन आपको याद ही होगा, बुक में देखे ही होंगे, या इलेवेंथ का जो लिमिट का वीडियो होगा हमारा उसमें डिटेल थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे तो उसको भी देख लेंगे अगर ये सफिशियंट नहीं होगा तो।
अब देखिए ये फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इसमें अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर टेन माइनस वन जीरो टू फोर बाई एक्स माइनस टू, सॉरी यहां पर टू लिखने वाले थे तो यहां पर समझ सकते हैं ये टू की पावर टेन आएगा, टू की पावर टेन थाउजेंड ट्वेंटी फोर होता है तो जीरो होगा और ये टू माइनस टू जीरो होगा। तो ये फॉर्मूला अगर ऑपरेट करना चाहे एक तरीका दिया हुआ एक्स माइनस टू, इसमें फैक्टर निकालें। अब पावर टेन है फैक्टर निकालेंगे तो एक काम हो जाएगा वो, हालांकि इसका भी फॉर्मूला होता है बट अभी हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं इसका। तो इसे लिमिट एक्स टेंस टू टू हमने लिखा और एक्स की पावर टेन माइनस टू की पावर टेन बाई एक्स माइनस टू, जस्ट ये फॉर्मूला को ऑब्जर्व करें हम इस फॉर्म में ये है या नहीं, एक्स टेंस टू ए है एक्स टेंस टू टू है एक्स माइनस ए एक्स माइनस टू एक्स की पावर एन एक्स की पावर टेन है एन के जगह पर और ए की जगह पर टू था ना, ये टू है ही, ये फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा। और इस तरह से ये टेन इंटू टू की पावर क्या हो जाएगा टेन माइनस वन मतलब टेन टू की पावर नाइन यानी फाइव इंटू टू की पावर टेन है ना, ये टेन से भी निकालिए इसको और फाइव इंटू वन जीरो टू फोर जो भी होगा ये कितना हो जाएगा जी, ये फाइव थाउजेंड और हंड्रेड ट्वेंटी है ना, ये जो भी होगा सही है। तो स्टेप फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर है इसको मिश्रा से कर लेंगे, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। हम बात कर रहे थे किसका, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बाई एक्स माइनस ए इक्वल्स एन ए की पावर एन माइनस वन। इसका पहले हम जनरलाइज्ड फॉर्म देखेंगे कि जनरलाइज्ड फॉर्म जो आपको समझा रहे थे कि एक्स ए को टेंस कर रहा है या जिसे भी टेंस कर रहा है इट डजंट मैटर, लेट एज एक्स टेंस टू ए देन एफ एक्स टेंस टू के, एफ एक्स कोई फंक्शन है जो के को टेंस कर रहा है तो देन इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए और यहां एफ एक्स की पावर एन माइनस के की पावर एन नीचे एफ एक्स माइनस के दिस विल बी एन इंटू के की पावर एन माइनस वन, इस रियल को फोकस करेंगे। देख रहे हैं एक्स इसको टेंस कर रहा है सेम उसी का पावर यहां एन है, एक्स ए को टेंस कर रहा है तो यहां एक्स की पावर एन है, यहां एक्स ए को टेंस कर रहा है तो एफ एक्स के को टेंस कर रहा है, यहां के की पावर एन है तो यहां एक्स की पावर नहीं होगा क्या एफ एक्स की पावर एन होगा और नीचे जस्ट एक्स माइनस ए यानी जो यहां एक्स था पावर एक एक करके यहां एफ एक्स है एफ एक्स माइनस ए की पावर एक के। जैसे अब ये अगर हम कहें लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री माइनस वन ट्वेंटी फाइव बाई एक्स माइनस टू, पहले फॉर्म की बात करें एक्स का वैल्यू टू आप पुट करेंगे फाइव की पावर थ्री वन ट्वेंटी फाइव आएगा, वन ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव जीरो और यहां पर क्या है जीरो। यहां पर जैसे आपको समझा रहे थे यहां पर एक्स प्लस थ्री क्या है एफ एक्स है, एक वे तो इसका देखिए करने का ये होगा कि बच्चा जैसा हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे लेट एक्स प्लस थ्री इक्वल्स कुछ कह लीजिए एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टी कह लेते हैं तो सो दैट एज एक्स टेंस टू टू तो टी टेंस टू क्या हो जाएगा फाइव, जब एक्स दो के करीब होगा तो टी फाइव के करीब होगा एंड देयरफॉर जो गिवन लिमिट है इसे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे टी के टर्म में, तो जहां एक्स टेंस टू टू है वहां आप क्या लिखेंगे टी टेंस टू फाइव और एक्स प्लस थ्री को हमने टी कहा है तो टी की पावर थ्री और वन ट्वेंटी फाइव को फाइव की पावर थ्री कह ही सकते हैं
फाइव का क्यूब, और नीचे x की बात करें, x प्लस थ्री अगर t है तो x को क्या करना पड़ेगा, t माइनस थ्री, तो ये t माइनस थ्री होगा और अगेन माइनस टू होगा। अब सोचिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट t टेंस टू फाइव t क्यूब माइनस फाइव क्यूब बाई टी माइनस फाइव, समझ रहे टी क्यूब माइनस फाइव क्यूब बाई टी माइनस फाइव, जहां टी टेंस टू फाइव है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, एन यानी थ्री इंटू फाइव की पावर थ्री माइनस वन, मतलब थ्री इंटू फाइव स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव, मतलब सेवेंटी फाइव। हम करें कि ये अप्रोच ऐसे कर सकते हैं, बट यही मैं समझा रहा था कि इसको ये सब नहीं मान के अगर इसके एप्लीकेशन को ढंग से समझते हैं हम, तो ये क्वेश्चन को डायरेक्ट हम करेंगे लिमिट x टेंस टू टू, इस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे, ध्यान देंगे x प्लस थ्री पर, कि x प्लस थ्री किसको टेंस कर रहा है, ये टेंस कर रहा है फाइव को, तो यहां पर फाइव क्यूब है क्या, जाहिर है 125 मतलब फाइव क्यूब। नीचे फिर हमें चाहिए x प्लस थ्री माइनस फाइव, एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव, बट ये नहीं है, x माइनस टू है। क्या फर्क पड़ता है, x माइनस टू को हम x प्लस थ्री माइनस फाइव नहीं कर सकते हैं, कही सकते हैं। तो इस तरह से इसको एक सेंटेंस में वैसे रिड्यूस करेंगे और सीधा अब इसको थ्री इंटू फाइव थ्री माइनस वन मतलब स्क्वायर लिख देंगे 75, सही है ना। तो थोड़ा सा इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा इस फॉर्म में लिमिट x टेंस टू मान लीजिए टू है, x की पावर सिक्स माइनस 64 बाई x की पावर 5 माइनस 32 है, समझ सकते हैं 0/0 फॉर्म है। तो इसके न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम अरेंज करेंगे थोड़ा सा अपने मन से डिवाइड करके, x की पावर 6 इसको माइनस 2 की पावर 6 कहेंगे, x माइनस 2 से डिवाइड किए इसमें, और फिर x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 इसमें भी x माइनस 2 से डिवाइड किया है ना। आप समझ सकते हैं अलग अलग ये फॉर्म आ गया, एफ एक्स बाई जी एक्स, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा फॉर्मूला डायरेक्ट, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 की पावर 5 6 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 मतलब 4, और इस तरह से 2 की पावर 4 कैंसिल होगा, 2 यहां बचाना 2 इंटू 6 12 बाई नीचे 5 हो गया। कैलकुलेशन देख लेंगे ऐसे सही लग रहे है ना। और मैं अभी हम एक तो क्वेश्चन और देख के इसको फिनिश करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x बाई x, समझ सकते हैं x 0 को चेंज करेगा तो ये 0 ये 0 0 माइनस 0 0 नीचे 0, फॉर्म 0/0 का है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसको अगर अलग अलग हम करते हैं tan x by x sin x by x, तो इसका लिमिट हो जाएगा उसका भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये लिमिट x टेंस टू 0 tan x by x माइनस लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x, दिस वन 1 माइनस 1 0। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस sin x बाई x स्क्वायर x क्यूब, तो समझ सकते हैं इस बार जैसे हमने इसे अलग अलग बाई फर्क करके लिख लिया था वैसे tan x by x cube sin x by x cube, तो ये तो होगा नहीं, एक tan x के साथ एक x खपत होगा ना,
तो वन होगा, बाकी वन बाई एक्स स्क्वायर तो रह जाएगा। लिमिट का प्रॉपर्टी क्या करता है, अलग अलग लिमिट कब निकालता है, जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करे, दोनों फाइनाइट नंबर हो। तो यहां टेन एक्स वाई एक्स क्यू का लिमिट फाइनाइट नहीं आ रहा, साइन एक्स वाई एक्स क्यू का फाइनाइट नहीं आ रहा है, यहां अलग अलग किए चूंकि ये फाइनाइट आ गया था। तो यहां पर हमें सिर्फ एक एक्स को खपत करना था, एक एक्स का, बट यहां पर थ्री एक्स को खपाना है, थ्री एक्स को सेट करना है। तो यहां पर थोड़ा और सोचना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टेन एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यू। अब समझ सकते हैं इसको क्या समझ के कहा गया, ऐसा लिखा गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहां पर एलसीएम में कॉस एक्स हो जाएगा, तो ऊपर हम लिख सकते हैं साइन एक्स अगर कॉमन ले लें तो वन माइनस कॉस एक्स, और बाई नीचे एक्स क्यूब कॉस एक्स, थोड़ा देखेंगे सही हुआ ना, ये कॉस एक्स फाइनली नीचे आएगा ना एक्स क्यूब के साथ, और यहां एलसीएम लेते तो ये कॉस एक्स यहां था, साइन एक्स दोनों में साइन एक्स बाहर कर लिए, सही तो है। अब आप समझ सकते हैं एक्स टेंस टू जीरो पर ये कॉस एक्स कोई दिक्कत नहीं करने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसका लिमिट वन होगा। अभी भी समस्या हमारा वही है, थ्री टाइम्स मैंने जो एक्स है तीन फैक्टर के रूप में एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इसका खपत करना है, एक्स तो इसके साथ खप जाएगा साइन एक्स के साथ, और वन माइनस कॉस एक्स का वैल्यू भी साइन स्क्वायर के टर्म में आता था, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो साइन स्क्वायर में दो एक्स चाहिए तब ना लिमिट वो सेट होगा, तो दो एक्स इसमें खपत हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिमिट एक्स टर्म है, एक साइन एक्स बाई एक्स यहां, और वन माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसके साथ एक्स स्क्वायर एक कर लिए, और वन बाई कॉस एक्स ऐसे ही रहा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स का हिसाब किताब तो हो गया, बट यहां देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो यहां पर एक्स बाई टू का स्क्वायर होता ना, तब ना ये साइन एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू, इसका होल स्क्वायर करते, बट वो तो है ना एक्स बाई टू का स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या होना चाहिए था, फोर होना चाहिए था, कर दिए फोर। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां फोर किए तो वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अल्टीमेटली ये फोर तो ऊपर जाएगा ना, तो यहां पर बाई फोर करना पड़ेगा, मतलब आप ये समझिए इसके डिनोमिनेटर में भी वन बाई फोर से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी वन बाई फोर से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। और इस तरह से ये लिमिट वन हो गया, ये लिमिट कितना हो जाएगा टू, चूंकि बाकी यहां से यहां तक हो जाएगा, ये क्लियर है ना, साइन एक्स बाई टू होल एक्स बाई टू टोटल का होल स्क्वायर इसका लिख सकते हैं, मतलब वन का स्क्वायर इसका लिमिट हो जाता टू इंटू वन का स्क्वायर, और कॉस एक्स का लिमिट वन, और ये वन बाई फोर, समझ सकते हैं, ये सिर्फ यहां टू है ये फोर है, तो हाफ हो गया, बाकी सब तो वन है, वन ही देख इसका एंट्री वैल्यू हाफ हो गया, समझ सकते हैं, दिस बाई एक्स है तो जीरो और एक्स क्यूब है तो हाफ, तो थोड़ा सा इस तरह से सेट करना लिमिट को। कुछ एक्सरसाइज भी देख लेंगे, और अब जो एक लास्ट फॉर्म है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, जो बेस वन है और पावर इन्फिनिटी है, इसमें भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइव किए थे हम लोग इलेवन क्लास में, और फिर इलेवन के वीडियो में इसे डिटेल अगर देखना है तो वहां देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, ऐसा अगर होता है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू ई हो जाता है, ई आप जानते हैं नेपियर नंबर होता है, स्मॉल ई से लिखते हैं, इसका वैल्यू लगभग 2.71 के आसपास नियरली होता है, एक्चुअली लॉ का बेस में और कैलकुलस में आप इसका यूज करते रहते हैं, इसी बेस पर ना लॉग लेते हैं तो एलन कहलाता है, वही ई है। इसी का सेकेंड फॉर्म हो सकता है लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी वन प्लस वन बाई एक्स की पावर एक्स बराबर ही। इस फॉर्म को पहले मतलब बढ़िया समझे, जैसे हर एक फॉर्म को नहीं कर रहे, जनरलाइज में समझिए, ये फॉर्म क्या है, जब एक्स जीरो को टेंस करेगा तो वन प्लस जीरो को टेंस करेगा मतलब वन, बेस वन हो जाएगा, और वन बाई एक्स ये इन्फिनिटी होगा, प्लस माइनस जो भी हो, जीरो प्लस माइनस करेगा उसके हिसाब से, बट हम इसको फोकस करेंगे ये इन्फिनिटी होगा, प्लस या माइनस कुछ भी, इनफाइनाइट वैल्यू इसका होगा, फाइनाइट नंबर नहीं होगा। तो बेस वन को टेंस करे और पावर इनफाइनाइट हो, वो फाइनाइट नहीं हो,
और ये खास फॉर्म हो, मतलब ये खास फॉर्म कैसा है, वन प्लस समथिंग विच इज टेंडिंग टू जीरो एंड पावर में रिवर्स ऑफ दिस समथिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस समथिंग, तो ये ई हो जाएगा। ये भी क्या कुछ डिफरेंट नहीं है, इसी का आप समझ सकते हैं कि एक सेकेंड एडिशन है कि जब एक्स इंफिनिटी को टेंस करेगा तो ये वन के साथ समझ सकते हैं वन बाई टेंस टू इंफिनिटी जीरो, यही बात यहां भी ये जीरो था वन बाई एक्स भी जीरो है, और फिर यहां एक्स का रेसिप्रोकल था यहां वन बाई एक्स का रेसिप्रोकल है। तो अगर ये ई होता है तो ये कुछ अलग होगा, ये बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, दोनों तो एक ही चीज है, बस कहने का अंदाज अलग है। तो ये दोनों में से कोई भी मतलब रहे तो हम सेम समझेंगे, क्लियर है। अब इसी से आप समझ सकते हैं इसमें क्या समझे, इस लिमिट में कैसे ऑपरेट करेंगे, यहां वन रहेगा यहां समथिंग रहेगा और ये समथिंग क्या होगा टेंस टू जीरो करेगा, और यहां पर होल पावर क्या रहेगा तो वन बाई द सेम समथिंग रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। ये बेसिक बात हुआ, ये मोस्ट जनरलाइज बात हुआ इसका समझने का, है ना। अब जैसे इसका एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम कुछ स्टेट फॉरवर्ड एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, वन माइनस एक्स की पावर वन बाई एक्स है, कंपेयर करेंगे इससे, वन प्लस यहां पर था और उसका रेसिप्रोकल था, तो यहां वन प्लस करेंगे तो क्या हो रहा है माइनस एक्स ना, तो एक्स जीरो को टेंस करेगा तो माइनस एक्स जीरो को टेंस करेगा ना, तो यहां पर माइनस एक्स का रेसिप्रोकल होना चाहिए था, वन बाई माइनस एक्स होना चाहिए था, तब ये ई होता है ना इसे कंपेयर करने पर, बट वो नहीं है। तो समझ सकते हैं ये माइनस को प्लस तो नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहां पर तो ऐसे कर सकते हैं अपने मन से, और बैलेंस करने के लिए इस पर होल पावर फिर क्या कर देंगे माइनस, सो दैट कि पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो वन बाई एक्स ही रह जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ई को रिजर्व करने के लिए, ये ई हो गया माइनस वन हो गया, ये की पावर माइनस वन हो गया वन बाई, जैसे भी लिख लें इसको सही है। अगर वन माइनस टू एक्स होता यहां तो यहां पर हमें ऐसे करना पड़ता है और यहां पर ऐसे करना पड़ता है, तो यहां पर ऐसे हो जाता है वन बाई ई स्क्वायर हो जाता है, सही है ना। अब इसका जो जनरलाइज्ड एप्लीकेशन होगा, समझ सकते हैं इसका जनरलाइज्ड एप्लीकेशन होगा, लेट एज एक्स टेंस टू ए देन एफ एक्स टेंस टू वन एंड जी एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, पहले फॉर्म को पहचानिए हमने क्या यहां पर एज्यूम किया है, एज एक्स टेंस टू ए देन एफ एक्स टेंस टू वन एंड जी एक्स टेंस टू इंफिनिटी, तो एफ एक्स बेस वन हो गया, यहां भी बेस वन को ही टेंस कर रहा था ना, और पावर इंफिनिटी को टेंस कर रहा, पावर इंफिनिटी को टेंस कर रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते थे हम, तो बेस को हम स्प्लिट करते थे दो पार्ट में, वन प्लस समथिंग विच टेंस टू जीरो एंड होल पावर दिस समथिंग का रेसिप्रोकल, उसका वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू ई हो जाता था। तो यहां पर तो वन है ही नहीं, तो इसे देखते हुए जस्ट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए अपने मन से यहां पर वन ऐड किए और इस एफ एक्स में इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, सही है। और अगर साथ दें आप, अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एफ एक्स को लिखा है, ये अरेंज किए इसको देखते हुए, अगले स्टेप में हमें क्या करना होता है, एफ एक्स माइनस वन से डिवाइड करना होता है, वन बाई एफ एक्स माइनस वन। समझ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्म का कि बेस वन को पावर इंफिनिटी को, तो यहां तक काम हम एक सांस में कर लें, जैसे कहते हैं ना एक स्पेल में, बीच में कहीं कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो, एकदम कंसंट्रेट हो गए, इसको कर लिया हमने। और अब हम देखेंगे कि ये कर तो लिया हमने बट इसमें क्या क्या कर बकवास हो गया, फालतू हो गया, तो समझ सकते हैं इसमें कोई बकवास हमने नहीं किया, एफ एक्स को ही ऐसे ही दूसरे फॉर्म में इसको किया अपने मतलब के लिए, वन जोड़ा वन सब्ट्रैक्ट किया, ये साफ जबरदस्ती है वन बाई एफ एक्स माइनस वन। तो हमें इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, एफ एक्स माइनस वन
फिर इस जीएक्स की बात कीजिए, होल पावर जीएक्स था उसकी तो हमने बात ही नहीं किया, तो यहीं पर इसकी बात कर लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना को, जीएक्स को। इसे आप एक स्टेप में करें, दो स्टेप में करें, तीन स्टेप में, जितना स्टेप में करें, बट मैं तो सलाह दूंगा एक स्टेप में कीजिए इसको, है ना, बहुत बहुत दो स्टेप में। तो इसे हमने ऐसे लिखा, क्यों लिखा ये महत्वपूर्ण बात है, क्लियर है ना, ये फॉर्मूला पर सेट कर रहे हैं हमारे दिमाग में, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है वन प्लस समथिंग। अब फिर से इसको देखने की जरूरत नहीं कि जीरो को टेंस करेगा, जाहिर है कि जब बेस वन को टेंस कर रहा था, इससे वन निकाल लिया और वन यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऑफ कोर्स ये जीरो को टेंस करेगा ही, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां तक ये ई देगा ही, और अब देयरफॉर इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, और इधर क्या था जी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स माइनस वन। जाहिर है इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाया जो लिमिट का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर बेस है और पावर है तो बेस का लिमिट निकालेंगे, पावर का लिमिट निकालेंगे, तो बेस हमारा यहां से यहां तक था, इसका लिमिट तो क्लियर है कि ई था, और पावर का लिमिट तो क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके हिसाब से इस फंक्शन का लिमिट निकलेगा, प्रोवाइडेड ये लिमिट एग्जिस्ट करे। अब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है ई, तब ये प्रॉपर्टी लगाना सही नहीं होगा, जैसा कि प्रॉपर्टी में देखे थे हम लोग बेस है पावर है, तो बेस का लिमिट टू द पावर का लिमिट, प्रोवाइडेड बोथ लिमिट बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब सही है। ये जनरल एप्लीकेशन हुआ इसका, कोई भी क्वेश्चन जो बेस वन को टेंस करेगा और पावर इंफिनिटी को टेंस करेगा। इस पर एक आध प्रॉब्लम लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स स्क्वायर। इमीडिएट पहले फॉर्म को हम लोग आइडेंटिफाई करें, एक्स जीरो को टेंस करेगा, ये बेस वन को टेंस करेगा और पावर वन बाई टेंस टू जीरो प्लस मतलब इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो फॉर्म तो है वो। इसको कैसे ट्रीट किए थे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस कॉस एक्स माइनस वन, सही है ना, वन को टेंस करा बट वन इसमें है तो वन एड किए वन सब्ट्रैक्ट किए, और फिर इसके अगले स्टेप में वन बाई कॉस एक्स माइनस वन, और फाइनली कॉस एक्स माइनस वन यहां पावर कर दिए, सो दैट पावर पावर कैंसिल हो वही रह गया, और ये छूटा हुआ अभी तक था वन बाई एक्स स्क्वायर यहां पर कर दिया। इसे आप जितना स्टेप में पहुंचे, और इस तरह से ये क्या हो गया ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और अब हमें ध्यान कंसंट्रेट करना है कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर के लिमिट पर। समझ सकते हैं ये क्वेश्चन बार बार बनाए हैं लिमिट में आप लोग, ई की पावर पॉसिबली ये माइनस हाफ आ जाएगा, है ना, देखिए ना ये माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे एक्स स्क्वायर है ना, यहां बाई फोर करेंगे जैसे भी समझे थे हम लोग वन बाई फोर, यहां से यहां तक वन माइनस टू, और ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा माइनस हाफ, मतलब ई की पावर माइनस हाफ हो गया, वन बाई रूट ई लिखे या ऐसे ही रहते क्या दिक्कत है ना। चलिए एक और लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री एक्स माइनस सेवन टू द पावर फाइव एक्स प्लस थ्री। इस फॉर्म को पहले देखिए हम लोग, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री एक्स माइनस सेवन क्या होगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पिछले क्लास से ही देख रहे हैं, पिछले वीडियो से हम लोग, जब एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा डोमिनेट एक्स करेगा, एक्स करेगा एक्स से डिवाइड करेंगे, ऊपर का डोमिनेशन में थ्री यहां रहेगा, यहां भी थ्री रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू वन हुआ ना, तो बेस का लिमिट वन हुआ, और जब एक्स इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो फाइव एक्स प्लस थ्री क्या होगा इन्फिनिटी को टेंस करेगा, तो ये भी फॉर्म क्या हो गया वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म हुआ ना, जैसे ये भी था वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म। यहां भी क्या करेंगे, दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
अपने मन से इसमें वन ऐड करेंगे और 3x प्लस 2 बाय 3x माइनस 7 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस पर पावर 5x प्लस 3। डायरेक्ट देखिए इसका रेसिप्रोकल इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा अभी देख रहे हैं, ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा, उसके बाद रेसिप्रोकल करेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे फिर, है ना। तो दिस इक्वल्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और यहां पर 1 प्लस, आप समझ सकते हैं यहां पर माइनस है तो एलसीएम 3x माइनस 7 हुआ, तो माइनस 3x अब प्लस 7, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल हो गया, प्लस 7 और प्लस 2 9, यहां पर हो जाएगा 9 बाय 3x माइनस 7 और इस पर होल पावर इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3x माइनस 7 बाय क्या 9, और समझ सकते हैं इसको हमने अपने मन से किया है तो बैलेंस करेंगे इसको 9 बाय 3x माइनस 7 और पहले से 5x प्लस 3 था इसको यहां लिख लेंगे और दिस इक्वल्स e की पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 9 5x प्लस 3 बाय 3x माइनस 7। समझ सकते हैं ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का है, नीचे x का कोएफिशिएंट 3 है और ऊपर x का कोएफिशिएंट क्या है 9 × 5 45, तो लिमिटिंग वैल्यू e की पावर 45 बाय 3 हो जाएगा, मतलब कितना 15, e की पावर 15। अगर कैलकुलेशन सही है तो थोड़ा देख लेंगे, ये तो सावधानी से है सही होगा। तो इस तरह से थोड़ा शॉर्ट में हम दो क्लास में सारे लिमिट को रिवाइज करने का प्रयास किए हैं, इसको जरा ढंग से देखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेंगे तो फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी की बात करेंगे। ओके, थैंक्स।